अच्छा गाइस, कैसे आप सभी लोग? और मेरे को उस जगह के कोऑर्डिनेट्स याद थे, तो मेरे को वो जगह फिर से मिल चुकी है। एंड मेरे को साथ ही रूइन पोर्टल जिसमें से मिला था, उसमें भी मेरे को मैग्मा जो ब्लॉक मिले थे वो मैंने यहाँ लगा दिए, ताकि जब मरने का मन करे ऐसे मर जाए। ठीक है, ये मेरा काफ़ी सिंपल सा आइडिया था। एंड ये हमारा वो जगह है। साथ ही मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मेरा फुल इंचेंटेड वो ये हुआ था कि जो हमारा वो था स्क्रीन रिकॉर्डर, उसने हमें फोर्थ डे पे धोखा दे दिया था, इसलिए थर्ड डे की एंडिंग को और फोर्थ डे की स्टार्टिंग को मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बाकी मैंने रिकॉर्ड किया है, तो आप देख सकते हो मेरे पास एक आयरन की पिक आई है, एंड एक आयरन की पिक के साथ साथ तीन आयरन और है, तो हाँ मेरी स्वॉर्ड भी बन जाएगी, बट वो अभी मैं नहीं बनाने वाला। और क्योंकि पहले मेरे को आपको एक चीज़ दिखानी है, मैंने अपना फाइनली एक घर बना लिया है, तो मैं ना ये दो डोर मैं कहाँ लगाऊँ, तो मैं यहीं लगा देता हूँ, मेरे यूज़ में तो आएंगे नहीं है, बाद में देख लेंगे, अगर यूज़ में आएंगे यहीं से तोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि बार बार तो मैं डोर बनाऊँगा नहीं। एंड ये हमारी शील्ड भी है, हमने जो बनाई थी फर्स्ट डे, देखो फोर्थ डे तक हमने एक घर, एक मतलब छोटा घर नहीं है वो, काफ़ी बड़ा है, पर पहले सीड ले लेते हैं। अरे यार ये टूटो ना, हाँ सीड आया, जो भी आया, ये रहा हमारा घर जो कि साइड से थोड़ा टूटा हुआ है, पर हाँ मेरे को मुकेश अंबानी भी नहीं बनना इतनी जल्दी, तो इसलिए इसे छोड़ दो, दो अंदर चलो घर के। एनीवेज गाइस, मैंने जैसा आपको वादा किया था, हम वो वादा पूरा कर रहे हैं। अब टाइम है टू डू सर्वाइवल। जी हाँ, आपने सही सुना, अब टाइम है कि हम सर्वाइवल वर्ल्ड शुरू करें। हे वी आर इन आर सर्वाइवल वर्ल्ड। तो अब हम सर्वाइवल, मतलब सर्वाइवल ही था बट पहले प्लीजेंट था, तो अब वो प्लीजेंट नहीं है। अब तो सबसे पहले मैं जानवरों को मारूंगा खाने के लिए, मेरे पास ज़्यादा खाना है नहीं, तो इसलिए इन लोगों से ही चारा बनाना पड़ेगा। सॉरी शीप, मेरे को मारते हुए बहुत दुख हो रहा है, बट मेरे को करना पड़ेगा। अब ये चीज़ मैं करना तो नहीं चाहता बट करनी पड़ेगी, मेरे को माइन में जाना पड़ेगा एंड वहाँ देखना पड़ेगा कि ज़ॉम्बीज स्पॉन हुए या नहीं। अपनी स्टोन स्वॉर्ड में हाथ में ले लेता हूँ एंड देन चलते नीचे। तो मेरे को ना क्या आइडिया आ रहा है, पहले मैं ना साइड से देख लेता हूँ कि ज़ॉम्बी स्पॉन हुए हैं या नहीं, फिर हम जाएंगे। साथ ही साइड में तो भाई साइड में ही दो दो ज़ॉम्बी आ गए भाई, आगे तो कितने ही मिलेंगे। मैं तो भाई मैं जा ही नहीं रहा। अरे ये क्या हो गया? हाँ तो भाई अभी इतना भी मैं प्रो नहीं हूँ, मैं जा ही नहीं रहा, भले ही मेरे पास इतना अच्छा आयरन का आर्मर हो, इतने अच्छे टूल्स हो, मैं नहीं जा रहा। ये साथ ही ये मस्त चीज़ है, शील्ड जब हाथ में लगती है ना तो थोड़ा सा ना वो होता है कि हाँ अब मरेंगे नहीं हम। तो ये मैं अपनी घर के दूसरी साइड आ गया, बट चलते हैं एक्सप्लोर करते हैं इस जगह के कोऑर्डिनेट्स, तुम्हें को पता है, यहाँ मैं वापस आ जाऊँगा। अभी मेरे को कुछ अच्छा सा मिल जाए, जैसे रूइन पोर्टल एंड ये शीट। तो जाओ यार तुम लोग, मतलब मैं क्या ही कहूँ, अब करना तो पड़ेगा। साथ ही यहाँ पर पेड़ भी है और एक ओशन भी है, तो यहाँ पर हमें मिल सकता है शिपरैक। एंड शायद मैंने सामने कुछ दिखा है, मेरे को क्या वो शिपरैक है? नहीं ऐसी दिखा था मेरे को, ऐसी लगा कहीं गन्ने का। एक काम करता हूँ ना, यहाँ से ये वाली सैंड जो है मैं ले लेता हूँ, क्योंकि सैंड जो है मेरे काम आ जाएगी वो, इसलिए वो मैं आपको बताऊँगा। और रात होने से पहले मेरे को अपने घर भी पहुँचना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपको पता ही है क्या होगा। ये मैं सैंड क्यों कलेक्ट कर रहा हूँ ये भी मैं आपको बताऊँगा। ये मैं इसलिए कलेक्ट कर रहा हूँ
क्योंकि वैसे घर पहुंचू ना पहुंचू ग्लास वैसे मेरे को बनाने ग्लास ताकि मैं अपने घर के बाहर, और मेरे को ना एक एक्वेरियम भी बनाना है, तो यहाँ से फिशेज भी लेके जाएंगे किसी दिन, ये तो मैं याद रखूँगा। बट अभी पहले ये सैंड इकट्ठी कर लेता हूँ सारी। ओके, काफ़ी अच्छी सैंड इकट्ठी हो गई है। अब चलते हैं हमारे घर की तरफ। कहाँ है मेरा घर? तो 292, हाँ कोऑर्डिनेट्स में याद रखता हूँ, एंड 124 पे था मेरा, तो हाँ ये सही डायरेक्शन है, ये सही डायरेक्शन है। अरे हाँ, जंप बूस्ट लगा के जाना पड़ेगा कुछ ऐसे। हाँ, अब ऐसे करके हम पहुँच जाएंगे हमारे घर की तरफ। वो रहा एक रूइंड पोर्टल, क्यों नया है या मैंने ऑलरेडी जिसे एक्सप्लोर किया था वो है? मे भी एक बार चल के देख लेते हैं, एक बार चल के देख लेते हैं, क्योंकि सन दोपहर हुई है अभी, मैं पहुंच जाऊंगा, मेरे को विश्वास है अपने पे। नहीं भी पहुंचा तो मेरे पास काफ़ी अच्छे टूल्स हैं, और ये वाला हाँ मैंने एक्सप्लोर कर रखा है शायद, फिर भी मैं देख लेता हूँ कुछ शायद मैंने चेस्ट में कुछ छोड़ दिया था, बट देख लेते हैं। चेस्ट खाली है, ठीक है ठीक है, नाइस। अभी चलते हैं वही 84, 120, ये कम हो रहा है इधर से, इधर बढ़ना चाहिए, एंड ये भी बढ़ रहा है। हाँ वो रहा गाइस हमारा सामने घर, तो नो नीड ऑफ टेंशन। वो रहा हमारा केविंग ऑयल, देखो रूइन पोर्टल भी उसी साइड है डायरेक्शन में, तो कितना अच्छा हो गया। फिलहाल मैंने ये प्लेस क्यों कर दी सैंड इधर, तो ये हमारा, मैं बहुत ही परेशान हूँ इस गेम के ग्राफिक्स से, देखना हर समय तो ये गेम परेशान करती है। फिलहाल सामने वो क्या है, पेड़ है कि पिलेजर आउटपोस्ट, कुछ भी हो सकता है। और क्या हो गया ये? हाँ तो इसे माइन करते हैं जल्दी से, वो देखते हैं क्या है, ये क्या है? अच्छा हाँ ये तो वही केव है। फिलहाल कुछ नहीं, ठीक है ठीक है। ये तो रवीन सी नहीं लग रही, रवीन में आयरन बहुत ज़्यादा मिलता है, मैंने सुना है ये कि रवीन में आयरन बहुत ज़्यादा मिलता है, रवीन सी लग रही है ये मेरे को, केव भी नहीं है ये। इधर भी कुछ जा रहा है, देखते हैं भाई, इधर भी एक केव जा रही है, एंड ये फिर से वही ब्लॉक्स जो उजाला करते हैं। मैं नहीं जा रहा अभी इधर। हाँ ग्रेवल ले लेते हैं, क्या है ये? डायोट्राइट है ये तो, फिर देखना ये हरकत इसकी। अब देखना अब मैं क्या करूँ इसमें, अब यहाँ वाला रास्ता सही लग रहा है मेरे को। हाँ यहाँ से डायरेक्ट पहुँच जाएंगे, तो अब चलते हैं इधर की तरफ, एंड वो रहा हमारा घर सामने, साथ ही सन भी ऑलमोस्ट डूबने को हो रहा है, तो घर में चलते हैं। बट उससे पहले क्या मेरे पास वुड है? वुड का तो भाई मेरे पास एक ही प्लैंक है, तो एक काम नहीं कर सकता हूँ, यहाँ आसपास कोई पेड़ है, पेड़ तोड़ के कहीं से मैं कुछ निकाल लूँ, पेड़ तोड़ के वुड्स बन जाएंगे यार। हाँ सामने पेड़ तो है, सामने पेड़ तो है, बट वो काफ़ी दूर है यार। डैंडीलियन, ये कौन सा फ्लावर है भाई? अलग अलग तरीके के फ्लावर आ रहे हैं। फिलहाल सामने काफ़ी सारे पेड़ हैं, और अच्छा खासा वो भी हो जाएगा, बट मेरे को सन देख के नहीं लग रहा कि हमारा टाइम अभी है, फिर भी मैं जाता हूँ, मेरे पे विश्वास है अपने पे। और एटलीस्ट मेरे को चेस्ट के लिए चाहिए एटलीस्ट 8, 8 चाहिए। हाँ तो 8, खाना नहीं, हाँ खाना खा ले खा ले खा ले खा ले, मैं नहीं मना कर रही। अभी ये तोड़, जल्दी तोड़ भाई मेरे मोटे। एक तो मैं पता नहीं कितना मोटा हूँ इस वाले गेम में, मेरे को खुद ही नहीं पता। हाँ तो इतने में हो जाएगा शायद,
हाँ दो प्लैंक्स हो गए ना, बोले इनके आई भी हैं या नहीं? हाँ आए हैं आए हैं आए हैं। एंड नाइसली हम डेंडीलियन को पकड़ के फिर से जाएंगे हमारे घर में। एंड यहाँ तो बर्ड है, यहाँ घटना चाहिए। एंड यहाँ घर भी रहे, एंड वो भी घटना चाहिए ना। हाँ यहाँ यहाँ साइड है हमारा घर, पूरा है विश्वास हम होंगे कामयाब एक दिन। और अंबानी नहीं बनना इसलिए यही घर है जो है वो है, मैं इसे ही रखूँगा। और ये झाड़ भी तोड़ लेते हैं क्योंकि आप सबको पता है खेती बाड़ी करना वाला बिजनेस हमारे लिए कितना कीमती है। आई मीन नॉट इन अ नेगेटिव वे। चलो घर में चल लो, वैसे रात हो रही है तो एक बारी मैं देखना चाहूँगा कि कोई ऐसा मॉब स्पॉन हो सकता है जिससे मैं शील्ड से अपने आप को बचा लूँ। वैसे मेरे पास काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स हैं, बट एक काम करते हैं पहले अंदर जाते हैं एंड चेस्ट को बनाते हैं। ओके तो चेस्ट को बनाते हैं, बट नहीं यार चेस्ट रहने दो, इन्वेंट्री में ही रख लेते हैं। तो ओके तो गाइस यही था इस वीडियो के लिए, आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।